हेलो व्यूवर्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एसएससी जेई में पूछे जाने वाले तीन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से रिलेटेड हैं, थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड हैं एंड सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड हैं। वैसे तो इन क्वेश्चंस को बहुत कम टाइम में बताया जा सकता है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पूरे डिटेल में डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस के सारे व्हाई, सारे हाउ, सबको क्लियर करने की कोशिश होगी। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होते समय जो इफिशियंसी होगी सर्किट की वो कितनी होगी। तो ये एक पॉपुलर क्वेश्चन है जिसका आंसर आप याद भी रख सकते हैं कि ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द इफिशियंसी विल बी 50%। तो हम लोग इस चीज को डिराइव भी कर लेते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट है, यानी उसमें बहुत सारा वोल्टेज सोर्स है, बहुत सारा करंट सोर्स है, बहुत सारा रेसिस्टेंस है, और उस कॉम्प्लेक्स सर्किट में किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच पे मैक्सिमम पावर किस रेसिस्टेंस के लिए ट्रांसफर होगा ये निकालना हो, या उस मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या होगी वो निकालना हो, तो हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ता है, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट का हम लोगों को थेवेनिन्स इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, यानी थेवेनिन्स वोल्टेज जिसको हम लोग ओपन सर्किट वोल्टेज कहते हैं वो निकालना पड़ेगा, और थेवेनिन्स रेसिस्टेंस यानी जिसको हम लोग आर इक्विवेलेंट कहते हैं, ओपन सर्किट टर्मिनल के थ्रू हम लोग सर्किट को देखते हैं और आरटीएच कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जिस रेसिस्टर के थ्रू हम लोगों को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर निकालने के लिए पूछा जा रहा है उसको हम लोग रिकनेक्ट करते हैं और एक सिंपल सा सर्किट बन जाता है। ये याद रखिएगा कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम उसी वक्त लगाया जाएगा जबकि आरएल वेरिएबल नेचर का होगा। अगर आरएल फिक्स्ड होगा और सोर्स रेसिस्टेंस वेरिएबल नेचर का होगा तो हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाने के लिए आरएल का वेरिएबल होना जरूरी है। याद रखिएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये कहती है कि जब आरएल की वैल्यू आरटीएच या सोर्स रेसिस्टेंस के इक्वल हो जाए उस समय मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। अब ये भी बहुत पॉपुलर है, कभी कभी पूछा जाता है कि पी मैक्स का एक्सप्रेशन बताइए। तो पी मैक्स का बहुत पॉपुलर एक्सप्रेशन है कि वीटीएच का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आरटीएच करने पर हमको मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफर हो रहा है। हम ये जानना चाहते हैं कि उस ड्यूरेशन में इफिशियंसी कितनी होगी। इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले यह पता लगाना पड़ेगा कि सर्किट के पास कितना पावर है और कितना पावर लोड तक ट्रांसफर हो रहा है। तो जो मेरा पीएल होगा डिवाइडेड बाय अगर हम पीएस कर देंगे सोर्स पावर को, तो हम इफिशियंसी निकाल सकते हैं। तो सोर्स पावर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वीटीएच और करंट जो सर्किट में फ्लो कर रही होगी उसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो देखिए, सोर्स पावर निकालने के लिए वीटीएच है मेरे पास और मान लेते हैं कि सर्किट में करंट आई फ्लो कर रही है। अब इस करंट आई को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल, और आरएल भी चूंकि आरटीएच के बराबर ही है मैक्सिमम पावर के टाइम में, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली कि आई की वैल्यू हो जाएगी वीटीएच डिवाइडेड बाय 2 आरटीएच। आरटीएच और आरएल दोनों सेम है। तो मेरा पीएस का फॉर्मूला क्या निकल गया, सोर्स पावर का सर्किट का जो पावर है उसका फॉर्मूला क्या निकल गया, वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आरटीएच, और मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन क्या था, वीटीएच स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आरटीएच। तो जब इन दोनों का रेशियो लेंगे इफिशियंसी निकालने के लिए हम लोग, तो एक डिवाइडेड बाय 4 टीएच है और एक में डिवाइडेड बाय 2 आरटीएच है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो है 50% है, यानी 50% ही पावर जो है लोड तक पहुंच पा रहा है। वैसे भी आप देख सकते हैं सर्किट का जो पावर है, चूंकि ये और ये दोनों सेम है तो आधा पावर इसके पास चला जाएगा, आधा पावर इसके पास चला जाएगा, यानी लोड तक सिर्फ 50% पावर ही पहुंच रहा है। तो सर्किट की जो इफिशियंसी होगी वो 50% होगी। अब थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अगर और हम लोग इम्फेसाइज करें कि इफिशियंसी मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा, तो उसके लिए एक छोटा सा हम लोगों ने एग्जांपल लिया है, उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए, एक सिंपल सा सर्किट है, 50 वोल्ट का सोर्स है मेरे पास, आरएस की वैल्यू सोर्स रेसिस्टेंस की वैल्यू या इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू फिक्स है 25 ओम पे,
और आरएल की अलग अलग वैल्यू पर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा और इफिशियंसी कब मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने आरएल का वैल्यू 10 लिया, तो जब आप आरएल का वैल्यू 10 लेंगे तो करंट आप निकाल सकते हैं वोल्टेज बाय रेसिस्टेंस करके 50 वोल्ट, आरएस तो फिक्स है 25 पर और आरएल की वैल्यू चूंकि आपने 10 लिया है सॉल्व करेंगे तो करंट की वैल्यू आ जाएगी 1.429। उसके बाद पावर लोड तक कितना पहुंच रहा है, तो लोड तक पावर पहुंचने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर, तो आई का वैल्यू हम लोगों ने 1.429 निकाला है उसका स्क्वायर करेंगे और आरएल जो कि अभी हम लोगों ने 10 रखा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पीएल की वैल्यू आ जाएगी 20.41। उसके बाद पीएस, पीएस का मतलब सर्किट में कितना पावर है, सोर्स पावर कितना है, तो उसका फॉर्मूला हम लोग वी इंटू आई लिख सकते हैं, 50 वोल्ट का सप्लाई है और करंट की वैल्यू हम लोगों ने 1.429 कैलकुलेट की है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 71.45 वॉट निकल जाएगा, यानी सर्किट के अंदर 71.45 वॉट पावर अवेलेबल था जिसमें से लोड तक सिर्फ 20.41 वॉट पहुंचा था। यानी अगर हम लोग इफिशियंसी निकालना चाहेंगे तो लोड पावर डिवाइडेड बाय टोटल पावर जो सर्किट में अवेलेबल था दोनों का रेशियो लेंगे तो परसेंटेज में 28.57% आ जाएगा। यानी अगर आरएल का वैल्यू आप 10 रख रहे हैं तो इफिशियंसी सिर्फ 28.57% है। अब इसी चीज को हम लोग अलग अलग वैल्यू के लिए रिपीट करेंगे कि आरएल इक्वल टू 20 पे कितना निकलेगा, आरएल इक्वल टू 25 पे कितना निकलेगा, आरएल इक्वल टू 50 पे कितना निकलेगा एंड आरएल इक्वल टू 100 ओम पे कितना निकलेगा। देखिए आरएस का वैल्यू तो 25 ओम पे फिक्स्ड है, आरएल को हम लोग वैरी कर रहे हैं, तो अगर आरएल का वैल्यू कम रहेगा तो लोड तक जो पावर पहुंचेगा वो भी कम होगा और इफिशियंसी भी कम रहेगी। जब आरएल की वैल्यू बढ़ते 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 आरएस के बराबर होगी उस वक्त में इफिशियंसी तो 50% रहेगा लेकिन पावर जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। अब अगर हम आरएल की वैल्यू बढ़ाते जाएं और काफी बड़ा कर दें तो देखिए इफिशियंसी बहुत ज्यादा हो गई है लेकिन मेरा जो मैक्सिमम पावर है वो 25 से घट गया है। 25 जो था जब हम 25 ओम आरएल और आरएस दोनों को इक्वल कर दिए थे तो उस वक्त हमको पी मैक्स मिल रहा था, अब उतना पावर हमको और किसी केस में नहीं मिल रहा है। तो समझने वाली बात यह है, कंक्लूजन ये है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने के लिए आरएल और आरएस का वैल्यू सेम होना चाहिए लेकिन इफिशियंसी उस वक्त में कम रहेगी, 50% रहेगी। अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है इफिशियंसी तो आपको आरएल की वैल्यू हाई रखनी पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आप आरएल का वैल्यू कम रखते हैं तो आपका पावर लोड तक भी कम पहुंचेगा और इफिशियंसी भी पुअर रहेगी। तो होप आपको एक आइडिया मिला होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो है ना काफी ट्रिकी है। देखिए सेकंड क्वेश्चन में जो डेटा गिवन है वो ये है, आर इक्वल टू इन्फिनिटी पर सर्किट का जो वोल्टेज है वो 20 वोल्ट है। अब समझना ये है कि आर इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ। आर इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब होता है ओपन सर्किट, याद रखिएगा ओपन सर्किट के टाइम में रेसिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। यानी ये जो वोल्टेज 20 वोल्ट दिया हुआ है एक तरह से वो आपको ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है और इसी वोल्टेज को हम लोग थेवेनिन वोल्टेज भी कहते हैं। यानी वीटीएच का वैल्यू क्वेश्चन में आपको इनडायरेक्टली गिवन है और उसकी वैल्यू 20 वोल्ट है। नौ सेकंड डेटा जो क्वेश्चन में गिवन है वो आर इक्वल टू जीरो पे करंट की वैल्यू 4 एम्पेयर है। तो अब हम समझते हैं कि रेसिस्टेंस का जीरो होने का क्या मतलब हुआ। तो रेसिस्टेंस का जीरो होने का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, यानी सर्किट शॉर्ट हुआ हुआ है और उस वक्त में जो करंट फ्लो करेगी डेफिनेटली वो शॉर्ट सर्किट करंट होगी और उसी करंट को हम लोग नॉर्टन्स करंट भी कहते हैं। यानी आई एन का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 4 एम्पियर। अब एक चीज अगर आप लोग थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम को डिटेल में पढ़े होंगे तो आरटीएच यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। आरटीएच का एक जनरल फॉर्मूला होता है वीटीएच डिवाइडेड बाय आईएन, दोनों के रेशियो से हमको आरटीएच मिल जाएगा। क्वेश्चन में गिवन था 20 वीटीएच का वैल्यू और आईएन दिया हुआ था 4 एम्पेयर, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 ओम निकल जाएगा। अब तो बहुत आसान हो गया, 20 वोल्ट वीटीएच हो गया, 5 ओम आरटीएच हो गया और क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि अगर आर की वैल्यू यानी आरएल का वैल्यू 5 ओम है तो आपको बताना है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा कि करंट का फॉर्मूला थेवेनिन के केस में होता है वीटीएच डिवाइडेड बाय आरटीएच प्लस आरएल। सिंपल सा है,
एक वोल्टेज सोर्स है, दो रसिस्टर है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रसिस्टेंस, तो 20 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 एम्पेयर आ जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2 एम्पेयर। थर्ड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज एप्लीकेबल टू, ऑप्शंस में है सिर्फ करंट के लिए, वोल्टेज के लिए, बोथ करंट एंड वोल्टेज के लिए, करंट वोल्टेज एंड पावर तीनों के लिए। तो आपको बताना है कि सुपरपोजिशन थ्योरम किन क्वांटिटीज के लिए एप्लीकेबल है। पहले तो ये बात याद रख लीजिए कि आप जिस तरह से वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू कर लेते हैं, उस तरह से आप पावर नहीं कर पाएंगे। सुपरपोजिशन थ्योरम पावर के लिए आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू कर लें। तो आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो पावर के लिए वैलिड नहीं है। तो इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में हम लोग समझेंगे। देखिए यहां पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वोल्टेज सोर्स है, तीन रेसिस्टर है और एक करंट सोर्स वाला सर्किट है, और हम चाहते हैं कि 3 ओम वाले ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको निकालें। तो सबसे पहले हम लोग नोडल से सिंपली निकाल लेते हैं। तो नोडल एनालिसिस हम लोगों ने लगाया, सबसे पहले हम लोगों ने इस पॉइंट के वोल्टेज को V मान लिया, तो V माइनस 20 डिवाइडेड बाई 5 ये पहली करंट हो गई, V डिवाइडेड बाई 3 ये दूसरी करंट हो गई, और चूंकि करंट को इसको हम लोग हायर पोटेंशियल पे कंसीडर करते हैं तो करंट को V से नीचे की तरफ फ्लो करना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन में अपोजिट डायरेक्शन में गिवन है, इसलिए यहां पर हम लोगों ने माइनस ले लिया, जो कि नोडल एनालिसिस का रूल है। हम लोगों ने कैलकुलेट किया, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के बाद हमको जो नोड का वोल्टेज है वो 16.875 आ गया। तो ये वाली करंट निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। तो हम लोगों को करंट का वैल्यू निकल गया 16.875 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि 5.625 एम्पीयर। और अगर हम पावर निकालना चाहें तो हम लोगों को आई स्क्वायर इंटू आर करना पड़ेगा, यानी इसका स्क्वायर इंटू 3 ओम कर देंगे, तो मेरा पावर का वैल्यू कुछ 94.92 आ गया। यानी हम लोगों ने नोडल एनालिसिस लगा करके वोल्टेज भी कैलकुलेट कर लिया, करंट भी कैलकुलेट कर लिया, पावर भी कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहती है कि एट ए टाइम आपको एक ही सोर्स को ऑन करना है। तो हम लोगों ने करंट सोर्स को यहां पर डीएक्टिवेट किया है, डीएक्टिवेट करने के लिए करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया जाता है। अब ये 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है, ये तो ओपन ब्रांच है, तो यहां पे कोई करंट फ्लो करेगी नहीं, तो हमको जो करंट मिलेगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस 5 प्लस 3, यानी कि 2.5 एम्पीयर की करंट फ्लो कर रही है 20 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से इस 3 ओम वाले ब्रांच में। अब अगर हमको वोल्टेज निकालना है तो वोल्टेज निकालने के लिए आप करंट इनटू रेसिस्टेंस भी कर सकते थे, या फिर आप वोल्टेज डिवीजन भी लगा सकते हैं। वोल्टेज डिवीजन लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 20 टोटल वोल्टेज है, 3 ओम वाले ब्रांच में निकालना है तो वो वाला ब्रांच को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल करेंगे, तो यहां पे आ जाएगा 7.5 वोल्ट्स। और पावर निकालने के लिए क्या तरीका होता है, जो करंट आपको सर्किट में फ्लो कर रही है उस ब्रांच में, आपको उसका स्क्वायर करना है इनटू दैट रेसिस्टर से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो 18.75 वाट आ जाएगा। अब दूसरा हम लोगों को क्या करना है कि वोल्टेज सोर्स को डीएक्टिवेट करेंगे, यानी कि शॉर्ट सर्किट कर लेंगे, करंट सोर्स को एक्टिवेट कर देंगे। अब इस करंट सोर्स की वजह से इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो कर रही है उसको निकालने के लिए हम लोगों को करंट डिवीजन लगाना पड़ेगा। तो टोटल करंट देखिए यहां से यहां तक तो टोटल करंट 5 एम्पीयर ही आएगी, उसके बाद करंट डिवाइड होगी, तो टोटल करंट 5 इसमें निकालना है, तो इसका अपोजिट ये है 5, तो 5 को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिवाइडेड बाय टोटल कर देंगे 5 प्लस 3। जब आप सॉल्व करिएगा तो आंसर आएगा 3.125 एम्पीयर। वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट इनटू रेसिस्टेंस भी कर सकते हैं, तो 3.125 इनटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.375 वोल्ट्स निकल जाएगा, ठीक है। पावर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस सोर्स की वजह से 3 ओम वाली ब्रांच में कितना पावर डेवलप हो रहा है, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर इंटू आर। आई स्क्वायर का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 3.125, उसका स्क्वायर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29.3 वॉट आ जाएगा। अब अगर हम देखें तो चूंकि करंट दोनों करंट का डायरेक्शन सेम है, वोल्टेज की पोलरिटी भी सेम है, इसलिए हम लोग सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों करंट को ऐड करेंगे, तो 2.5 प्लस 3.125 इज इक्वल टू 5.625 आ रही है। और पहले भी हम लोगों ने नोडल से भी जो बनाया था तो सेम करंट आई थी, मतलब करंट के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड है। वोल्टेज को जब हम लोगों ने ऐड किया तो वोल्टेज का वैल्यू 16.875 आया,
पहले भी जब हम लोगों ने वोल्टेज निकाला था नोडल एनालिसिस से तो 16.875 वोल्ट ही आया था। इसका मतलब है कि सुपरपोजिशन थ्योरम वोल्टेज के लिए भी अप्लीकेबल है। लेकिन जब हम पावर निकालना चाह रहे हैं तो P1 का वैल्यू 18.75, P2 का वैल्यू 29.3, जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो 48.05 आ रहा है। हालांकि नोडल से जब हम लोगों ने निकाला था तो 94.92 आया था। यानी पावर के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। वजह क्या होता है, देखिए वजह यह होता है इसलिए कि पावर के फॉर्मूले में है I² × R, और ये स्क्वायर जो होता है ना वो एक नॉन लीनियर टर्म हो जाता है। यानी समझने के लिए आप ये समझिए, मान लेते हैं आप 5 का स्क्वायर कर रहे हैं और वो 5 जो है 2+3 करके आया था, तो ये 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर जो है 5 के स्क्वायर के बराबर नहीं होगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 13, तो 13 और 25 कहां बराबर होता है। इसीलिए सुपरपोजिशन थ्योरम जो है वो पावर के लिए वैलिड नहीं हो पाती। अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से पावर निकालना है तो आपको करंट निकालना पड़ेगा। करंट निकाल करके उसके बाद I² × R करेंगे तब पावर आप निकाल सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि भाई हम जिस तरह से करंट और वोल्टेज के लिए कर रहे थे कि I = I1+I2, V = V1+V2, तो उस तरह से आप पावर के केस में नहीं कर सकते हैं। सो फाइनली हम लोगों ने ये कंक्लूड किया कि सुपरपोजिशन थ्योरम अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप अल्जेब्रिक सम करके I = I1+I2 कैलकुलेट कर सकते हैं। वोल्टेज के लिए भी सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लीकेबल है, बट पावर के लिए P = P1+P2 नहीं किया जा सकता है। पावर के लिए सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लीकेबल नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इन तीनों क्वेश्चंस को आप लोगों ने डिटेल में समझा होगा, आपके सारे भाई सारे हाउ क्लियर हो गए होंगे, वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर टुडे।